जितनी देर आप कथा में बैठे हो बिल्कुल वैकुंठ में हो, आनंद में स्थिति होती है, दयाभास से परे ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं श्रोता, संसार की दुश्चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जिन जिन पिशाचिनियों ने मनुष्य को बहुत पीड़ित किया है कथा में दूर से भाग जाती हैं, चिंता पिशाचिनी माया शासनी, तो आज ये भवशूल नहीं मान सका। सुखदेव जी उड़े जा रहे हैं, मैकल सेल विंध्याचल पुत्री नर्मदा जी का पान करता गया, मानस ने मैकल सेल सीता कहा, मैकल सीता गोदावरी धन्या शिव प्रिय मैकल सेल सीता सी, मैकल सेल सीता नर्मदा का पान करता हर्ष विद व्यास का सुरम में आश्रम, आश्रम का नाम सम्या प्रास, सघन वृक्षों की छांव, नदी का आनंद में कल कल छल छल का प्रवाह, पक्षियों का गौरव, वेद वेदों की ध्वनिया, भगवान वेद व्यास ब्रह्म चिंतन में मग्न, उनकी धर्म धर्म की पिंगला गलगली को जमाई आ गया, भयभीत सुख उनके मुख में ही प्रवेश कर गया माता का, और मुख में प्रवेश करके उदर में चला गया, और माता की सांसों में सांसा मिला कर बालक कहता है सोहम, जिसमें हम सांस लेते हैं तो सो उच्चारण होता है, बिना कहे सो होता सांस लीजिए सो निकलेगा, और जब सांस छोड़ोगे तो हम निकलेंगे, ये सांसों में मन को चलता है सोहम, मन जो ब्रह्म है वही तत्व में ये सांसें कह रहे हैं, हम उसे नहीं जान जान रहे हैं, सांसें कह के सोहम, सांस खींचने में सो छोड़ने में हम सोहम, माता की सांसों में सांसें मिलाते हुए बालक बारह वर्ष सोहम का जप जप कर रहे हैं, माता को वेदना है, व्यास ने देवताओं की स्तुति की, देवता आए गर्भस्थ शिशु की वंदना की, सुखदेव ने प्रकट हुए, नाला पीने का अवसर नहीं दिया, तपस्या करने के लिए गली गली और चल पड़े, तम सर्व भूगर्भयम् मुनि मातोऽस्मि, प्राणी मात्र की अंतरात्मा श्री सुखदेव जी को प्रणाम है, बाली बाली वीतराग ब्रह्मर्षि परमहंसाचार्य परिपूजिताचार्य भागवत परम परम भट भागवत स्वरूप है, ऐसे सुखदेव की वंदना है, बोले सुखदेव महाराज की जय, नयन से सूत मासीनम अभिवाद्य महामन तथा स्वाद कुशल शौनको प्रब्रवीत, नहीं भी शाशार पवित्र तीर्थों में 88,000 शंकादिगुणियों ने सत्संग के लिए 1,000 संयुक्त किए, और भगवान की कथा कहने के लिए उन्होंने सूत जी को व्यास पीठ पर विराजमान मान लिया, ये सूत जी भगवान वेद व्यास के शिष्य रोम हर्षण जी के पुत्र हैं, ये सुखदेव जी के शिष्य हैं, सूत जी सुखदेव जी ने जब भागवत कथा कही थी तो महाराज सुखदेव जी ने इन्हें अग्रिम पंक्ति में बैठा कर कथा सुनाई, रहस्य से विचारे सुकेन यत मम प्रोक्तम रहस्य विचारे, ये शिव जी कह रहे हैं सुकेन यत मम प्रोक्तम, कथा तो सुना रहे हैं ऋषि जी को लेकिन वहां सुजी बैठे थे,
वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और जो बातें बड़ी बड़ी रहस्यमयी थी उन्होंने एकांत में सुखदेव जी से पूछा, महाराज इसका रहस्य क्या होगा? रहा शिष्य, रहा माने अति अंतरंग शिष्य, अंतरंग शिष्य विचार करके हमसे कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने सब रहस्य बता दिए। ऐसे सुखदेव देव के ये अंतरंग बड़े बड़े प्रिय शिष्य हैं। सूत जी को गद्दी पर विराजमान किया और सूत जी कैसे हैं, बहुत सुंदर विशाल वाले नहीं मिसे सुसमासीनम अभिवाद्य महामति महामति को महामति है, महामहाभ्या संपन्न है, तत्वविद है, ब्रह्मविद ब्रह्ममयी भवति और ब्रह्मस्वरूप है। सुखदेव देव जी के शिष्य हैं, उनका कथन किया अभिवाद्य महामति, अभिवादन किया, वंदन किया, अर्चन किया, पूजन किया व्यासपीठ पर। और फिर ये श्रोता बैठे हैं वो कैसे हैं, इनके लिए पाता अर्हता सुनिश्चित कर दी, कथा अमृत रसा स्वाद कुशलाला, कथा अमृत रसा स्वाद कुशलाला, कथा रूपी अमृत का पान करने में जो कुशल श्रोता था, कथा के तत्व को समझने वाले हैं, ते वक्ता श्रोता समशीला, समशील वाले वाले भी जानते हैं कथा, ऐसा नहीं कि जान जान नहीं, कथा था जानकार श्रोता बैठे हैं, कथा के तत्व को जानते हैं तो और प्रेम से सुनते हैं, ये नहीं कि जान जान बात पतर करो और प्रेम बढ़ जाता है। ये शंकर जी सुनते हैं अगस्त जी से, तो सुनी महेश परम सुख मानी, जितना अधिक ज्ञानी होगा उसे बड़ा आनंद आएगा, लेकिन ज्ञानी के साथ भक्त हो तब आनंद आएगा, अगर केवल ज्ञानी है तो पुत्र पुत्र करेगा, इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों का समन्वय होना चाहिए। कथा अमृत प्रसाद स्वाद कुशलाह, कथा रूपी अमृत का पान करने में कुशल श्रोताओं की ओर से शौन कब कभी भी शौन ऋषि बोले, शौन वाद महाराज शौन मुनि कहते हैं, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूता क्या ही कथा सारम महाराज जी, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अज्ञान ध्वान अंधकार विध्वंस, अज्ञान के अंधकार का विध्वंस करने में कोटि सूर्य सम प्रभ करोड़ों सूर्य के समान आपकी प्रभा है, कांति है, ज्योति है, प्रकाश है, सूता क्या ही कथा सारम, हमें कथा का तत्व सुनाइए, मम करण रसायन जो मेरे कानों में रसायन की भांति बहुत मधुर मधुर लगे, अमृत जरे जरे थी मीठी लगे कथा, लेकिन केवल केवल रसायन नहीं हो उस कथा में क्या हो, कथा की एक गरिमा है, कथा की एक निष्ठा है, कथा का एक स्तर है, कथा का एक मानक, अगर मानक पर वस्तु खड़ी नहीं उतरती तो उस वस्तु का मूल्य नहीं होता, मानक उस कथा में क्या क्या हो, संसार का मनोमन नहीं हो, उसमें नृत्य गान नहीं हो, उस कथा में लौकिक मनोरंजन की पुट नहीं हो, संसारिकता नहीं हो, प्रीति सौनक चित्ते हेतो वच विचार सर्व सिद्धां निष्पन्नम संसार भयासनम, हे संसार ऋषियों
तुम्हारे भगवान की बड़ा प्रेम है, तभी तो तुम कथा सुनने बैठे हो। देखो जिनमें प्रेम है भगवान के प्रति वही कथा सुनने बैठे। देखिए जिन्हें प्यास लगी होती है उन्हें साधारण जल भी बहुत अच्छा लगता है, और जिन्हें प्यास नहीं है तो बहुत शीतल पेय भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जो भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को पाने की जागरूकता जिनमें है, कथा अमृत सी मीठी लगती है। हे शूलकादिशियो, तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम है, इसलिए तुम कथा सुनने बैठे हो। प्रीति ही सबने जीतते थे, यह तो वच में विचार चाहते। मैंने विचार किया, तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति बड़ा बड़ा प्रेम है। सर्वसिद्धांत निष्पन्नम, हम तुम्हें सर्व सिद्धांत से पूर्ण कथा सुनाएंगे। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, निष्कर्म योग, ये सब हम तुम्हें सुनाएंगे। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, और ऐसी कथा सुनाने से क्या होगा, संसार भय नाशनम, संसार का भय दूर हो जाएगा। चारों सबसे बड़ा मृत्यु का भय है वो दूर हो जाएगा। संसार के जितने भय है दूर हो जाएंगे, चारों भय ही भय है, वो अभय देने वाली कथा, अभय प्रदान होगा कथा से। आज ऐसे प्रधान देव दास्यम सावधान के सुन, कथा हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले सावधान तया सुनो, तुम सावधान होकर कथा सुनो, सावधान रहो। कथा विश्राम के काशन में नहीं सुनी जाती, काशन होना है, सावधान विश्राम। अध्यापक कहते हैं सावधान, विद्यार्थी सावधान, कहते विश्राम को विश्राम। तो हमारे आचार्य जी सूत जी कहते हैं सावधान, क्यों सावधान, बोले मन ये एकाग्र नहीं होता, भाग जाता है, इसलिए सावधान होकर सुनना। जो ये कहि स्नेह समीता, जो ये कहि स्नेह समीता, कहि सुनहि समझि सचेता, कहि सुनहि समझि सचेता, जो ये कहि स्नेह समेता, जो यही कहि स्नेह समेता, कहि सुनहि समझि सचेता, कहि सुनहि समझि सचेता। प्रेम से सुनना है, समझ के सुनना है, सचेत होकर सुनना है। उन्हें क्या मिलेगा, कोई है राम चरण अनुरागी, कोई है राम चरण अनुरागी। अरे अरे, ये तीन शब्दों का पार पार हो गए, प्रेम समझदारी और सावधानी, तो हुई है राम चरण अनुरागी, कोई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, वो कलिमलों से दूर सुमंगल को प्राप्त करा। महाराज श्री श्री जी कहते हैं, हे शूलकादि ऋषियो, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलंकीरेण भाषितम। ये काल व्याल, व्याल माने सर्प भुजंग, और इस सर्प को भक्षण करता घूम रहा है। कोई काल व्याल से बचा नहीं, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जग है जन्म और गमन, दो क्रियाएं होती हैं, जन्म और मृत्यु निरंतर चल रही है। जन्म होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, मरण होता है।
यही दो क्रियाएं संसार में चल रही, हजारों जन्मते हैं, हजारों की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काल व्याल व्याल सदस्य राज किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को परसों के बाद, लेकिन मृत्यु तो आएगी। कोई बचा नहीं है, कभी कभी धीरे होगी, कोई इस काल व्याल से बचा नहीं, ना बचो कोई बेपुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई मन में बास किए, बचो कोई मन में बास किए, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा, सपने समझे संसार चला चला, सपने समय है संसार चला चल, चार दिना को ठाठ कथा, चार दिना को ठाठ कथा, तुलसी तुम राम से रहो, तुलसी तुम राम से रे करो, अगर इस आवागमन के बंधनों से बचना है, काल व्याल इस मृत्यु भय से बचना है, आवागमन के बंधनों से मुक्त होना है, एक ही मात्र उपाय है। कौन सा उपाय है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, सुखदेव देव ने जो समस्त भक्तों के कल्याण भाग भाग कही है, राजा प्रजापति को सुनाई है, परीक्षित साक्षी जिसके साक्षी परीक्षित हैं मोक्ष के, ऐसी भाग भाग कथा प्रेम से सुनो। परम भागवतम भागवत समान मानसिक शुद्धि का भी उपाय मानसिक जो तीर्थों में जाने जाने होती है उससे अधिक फल मानसिक शुद्धि भागवत में से होती है, लेकिन भागवत सहज में प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे, जन्म जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्र हो जाते हैं तब भागवत पुण्य को मिलती है। आप कहेंगे हमें तो साल साल में 10-5 बार सुनने को मिल जाती है, वर्ष में एक बार यहाँ भी होती है महाराज, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ भागवत नहीं मिलती, उन्हें सुनने को दुर्लभ है, और कहीं कहीं जहाँ भागवत कहते हैं भागवत बैनर तो लगा भागवत का, और वहाँ फिर भी गाने हो रहे हैं, ढोला छोला छोला हो रहा है, लग लगा हुआ है, नाचाना हो रहा है, भागवत को भी कष्ट होता है, भागवत देवी को कि हमारे नाम पर कितना बड़ा उपहास हो रहा है। ध्यान देना, आप बहुत ज्ञानी प्रमुख श्रोता लोग हैं, भागवत कथा दुर्लभ, वास्तव में दुर्लभ, मूल भाग भाग मिल जाए आए सुनने को, ये बहुत हरी कृपा है। वर्तमान में ढूंढे ढूंढे मिलेगी मूल भाग भाग होता, दुर्लभ है महाराज। तो कहते जन्मांतरे भवे पुण्यम, जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्र होंगे तदा भागवतम लभे, तब भागवत प्राप्त होगी। एक बात बताना,
ये कौन कह रहा है सूत जी? कहते हैं एक बार बात बताते हैं, गंगा जी का तट बालुका में प्रवेश, सात राजा प्रशिक्षित संत मंडल के मध्य विराजमान, इतने में सुखदेव जी आ गए। राजा को मोक्ष के लिए कथा सुनाने बैठे थे, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुते सुधात्मं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाना प्रारंभ ही उन्होंने किया था, इतने में देवता आकाश से उतर रहे हैं देवता, और देवताओं के हाथ में क्या आया है? सुधात्मं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। अमृत से परिपूर्ण कलश है, पूरा भरा है अमृत से। और आए देव को प्रणाम किया, शुकम नत्वा अवदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा, कथा सुधाम परेच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम एवं विनिमय जाति। महाराज सुखदेव को प्रणाम किया, शुकम नत्वा अवदन सर्वे, सुखदेव को प्रणाम नाम के सब देवता बोले, लेकिन हमारे व्यास जी ने लिखा वो देवता हैं कैसे? स्वकार्य कुशला सुरा हरा, स्वकार्य कुशला अपना काम मानने में बड़े चतुर हैं। तुलसी बाबा ने कहा बड़े स्वार्थी तत्व हैं, आए देव सदा स्वार्थी, जब इनका स्वार्थ होता है तभी आते हैं। तो ये देवता इन्होंने सुखदेव को दंडवत की और बोले, कथा सुधाम प्रयच्छस्व, एक कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो, अरे अरे राजा परीक्षित को पिला दो। एवं विनिमय जाति सुधारा राजा प्रियताम प्रपाश्याम्यं वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज हम कथा रूपी अमृत पिए और राजा को पिला दो, हम अमृत की मृत्यु नहीं होगी, तक्षक काटेगा मरेंगे नहीं, ऐसा विनिमय कर दिया। विनिमय अदला बदला, सुखदेव जी हंसे और बोले, विनिमय समान गुणवत्ता वाली वस्तु से होता है, तुम्हारी वस्तु जो है ये समान गुणवत्ता वाली नहीं है। तुम्हारी कथा है कांच को भरा भरा कांच, और हमारी कथा है मणि मणि, तुम्हारा अमृत है कांच, हमारी भागवत है मणि, इसलिए हम विनिमय नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। अभक्तांस्तां च विज्ञाय न ददौष कथां अमृतम्। तुम अभक्त हो, भक्त नहीं हो, देवताओं से कार्य का भक्त नहीं हो। क्यों? देवता भक्त क्यों नहीं है? गोस्वामी जी लिखते हैं, इंद्रिय न सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, इंद्रियां अपना विषय ही ढूंढती रहती हैं। इंद्रिय न सुरन न ज्ञान सुहाई, इन्हें क्या क्या लगता है? विषय भोग पर प्रीति सदा ही, इसलिए भोग प्रधान है देवता। श्रक चंदन अप्सरा आदि विमानेषु विषय भोगेषु रता तस्मात् भक्ताः देवदेवता। ये भोगी हैं, इन्हें भागवत नहीं सुनाएंगे, ये तो भक्तों का विषय है। अभक्तांस्तां च व्याया यद्वशं देवताओं को कथा कथा नहीं पिलानी, परीक्षित को सुनाई। अब भागवत शंकर राजा परीक्षक नांग के द्वारा दर्शित जाने पर भी चतुर्भुज दिव्य रूप धारण के दिव्य विमान में बैठ बैठ के ब्रह्मा के लोक से होकर विमान बैठ बैठ चला गया, परीक्षक वैकुंठ चले गए। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखी तो आश्चर्यचकित हो गए,
राग्यो मोक्षं तथा दीक्षे पुराधाता शक्षलोके तुलां बद्ध्वा अतो अतोले साधनानि जहा। महाराज ब्रह्मा जी पुरा धाता धाता मैंने ब्रह्मा जी विस्मिता आश्चर्यचकित हो गए कि भागवत की इतनी महिमा तक्षक नांग के द्वारा दर्शा गया राजा सर्प से काटने से मृत्यु हो दुर्घटना से मृत्यु हो आत्महत्या कर ले विष से मरे उसकी गति नहीं होती वो भटक भटा है प्रेम में लेकिन राजा सर्प के द्वारा दसे जाने पर भी अकाल काल के मरने पर भी वैकुंठ में चला चला गया। पूरा धाता विस्मिता विस्मित शब्द आया विस्मित माने आश्चर्यचकित ये भागवत के कारण हुआ है। भागवत ने हमारे लेख को मेंट किया है अकाल काल के प्रेम को प्राप्त है कि भागवत ने हमारे लेख को मेंट किया। लाओ लाओ हमारी तराजू लाओ धर्म की तराजू हम तौलेंगे भाग भाग के फल फल को सच्चे लोके तुलां बद्ध्वा अतोले साधनानि जहा। अन्य साधना तोलिता अन्य साधनों से भागवत को तौला धर्म की तराजू ब्रह्मा जी ने मान ली। दो पल्ले हैं एक में चारों वेद सुनने का फल उपनिषद सुनने का फल सभी एक करने का फल तीर्थों का फल जितने व्रत हैं उनका फल सब एक पल्ला में रखा और एक पल्ला में भागवत सप्ताह श्रवण का फल भागवत सप्ताह श्रवण का फल एक पल्ला में। अब जब तौला तो क्या हुआ लघु नन्यानि जातानि गौरवे दम दम अन्यानि लघुनि जातानि अन्य फल हल्के हो गए इदम गौरवेण महत् भागवत महान गौरवशाली भारी पल्ला रहा भागवत का। भागवत के पल्ले में सब सब अनुष्ठान तुल गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा की अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलानादिति कोटिशीलि हजारों अश्वमेध शेख शेख भाग 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 सोलह भाग भाग बराबर निन्यानवे लगने के बाद सवा एक होता आश्रम में ऐसे हजार हजार सोलह भाग कोई करे शेख शेख भाग भाग ये करे तो भाग भाग का सोलह भाग भाग प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा अनुष्ठान आप लोग करने रहे थे प्रेमी श्रोताओं पशुपत नगर यशोदा नगर की भूमि पर इतना बड़ा अनुष्ठान हजारों लोगों से भी बढ़कर के भाग भाग सप्ताह ज्ञान ज्ञान आप श्रवण करने बैठे हो कोई साधारण बात नहीं कोई ये नहीं है कि कोई सामान्य महोत्सव जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव है भागवत और इसको कोई ये भी न समझे कि ये बार बार दोहराई जाती है तो पुरानी हो गई। व्यास जी लिखते हैं द्वादश संस्कृत द्वादश में अध्याय में तदेव रम्यम रुचिरम नवम नमम तदेव सस्व नमनसो बहुत्सवम तदेव शोकारं शोषणं नन्नानां यदुत्तम श्लोक यशो लोकीयते। पहली बार जब आपने सुनी थी जितनी नई थी उतनी नवीन है उतनी ही रमण है और दुख को सुखाने वाली और महोत्सव ये जो आपके जीवन में उत्सव है दीपावली होलिका इनसे हजारों गुना अधिक महोत्सव भागवत का है महोत्सवम भागवत महोत्सव है। तुम्हारा ऐसी भागवत की महिमा भागवत की महिमा का भ्रम करते हुए सूर्य जी कहते हैं कि एकदा शालायाम चतुर्विशोमला शतशङ्गारं समायाता ददृशस्तेन नारद विशाला है
विशालापुरी इसलिए नाम पड़ा, वहाँ सूर्य वंश के विशाल नाम नामक राजा ने तपस्या की थी, इसलिए उस क्षेत्र का नाम विशालापुरी हो गया। वहीं पर बद्री वन है, बद्री वन, इसलिए वहाँ तपस्या करने वाले नर नारायण को बद्री नारायण कहते हैं। और नारायण बद्री के साथ में नारायण के साथ साथ विशाल जो बद्री विशाल, क्योंकि विशाल नाम राजा ने तपस्या की, इसलिए विशाल जोड़ते हैं बद्री विशाल। तो हमारे व्यास जी ने बद्रीनाथ नाम का विशाला लिख दिया, एक दाहिदा विशाला चतुर ऋषयो अमल, चार महात्मा बैठे हैं अमल, ये अमल है इनके शरीर में, इनके मन में, इंद्रियों में कोई मल नहीं है, विकार नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से परे हैं महात्मा। ऐसे महात्मा कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मानंद सदा लले लीला, ब्रह्मानंद सदा लेकिन भगवान की कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ जा जा सुनते हैं। जीवन जीवन योगी भी कथा सुनते हैं, जीवन जीवन महा महा जीव हरि को सुने ही निरंतर तर बड़े आनंद से सुनते हैं कथा। ऐसे शरद कुमार माथे थे बद्रीनाथ आने में ददर्श नारदम, उस समय नारद जी को देखा, नारद जी आदि बड़े उसे नारद जी सदैव प्रसन्न रहते हैं, अपनी वीणा से श्रीमन नारायण का गान करते हैं, आनंद मग्न हैं कि नारद जी बड़े दुखी हैं। शरद कुमार ने कहा नारद जी बड़ी जल्दी से आ रहे हैं, बहुत ही चिंता तो रहे हैं। शरद कुमार बोले प्रथम ब्रह्मी कुतश्चिन्ता तारो महान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्च आगमनम तावता। महाराज आप बड़ी चिंता तो हो, बड़ी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आप तो शांत हैं, ब्रह्मर्षि ही नहीं देवर्षि हैं, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं पदकारणं, आप जैसे संत को दुखी नहीं होना चाहिए। द्वंद्वैर्वि मुक्तः योगी, योगी द्वंद्वों से विमुक्त होता है, द्वंद्वातीत होता है। आप चिंता तो रहे, आप दुखी हैं, ऐसा क्यों है? आज आपके मुखार पर विषाद क्यों देख रहे हैं? योगी को सदैव आनंदमय रहना चाहिए, बदनम प्रसाद सदनम सुधामयम वचो या शाशाम, जिसकी वाणी में अमृत है, जिसका मुख सदैव प्रसन्न है, वो भक्त है। तो आप उदास हैं, आप दुखी हैं। नारद जी बोले महाराज संत भी दुखी होते हैं, ये और लोगों की तरह नहीं, संत अपने अपने से कभी दुखी नहीं होते, वो संत तो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। जब कोई दूसरा दुखी होता है तो संत रो पड़ता है, संत का हृदय द्रवित हो जाता है, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, दूसरे शरीर से द्रवित है वो संत है। तो महाराज दूसरे शरीर से द्रवित है, बोले किसका दुख देखा? बोले अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वतमानि
पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा मृत्यु लोक सर्वोत्तम लोक है। ऐसे मृत्यु लोक में उसे सर्वोत्तम मान के गया और मैंने वहां तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्कर गया, प्रयाग, काशी और गोदावरी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम शेतुबन्धनम् एवमावासि तीर्थेषु भ्रमणान्तस्ततः। हरि क्षेत्र गया, श्रीरंग गया, शेतुबन्ध रामेश्वरम गया, आदि आदि तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। कलिना अधर्म मन्मिनेनो धरेयम् बाधितार्णः। अधर्म के मित्र कलियुग ने, ये कलियुग अधर्म का मित्र है, अधर्म के मित्र कलियुग ने इस धरा को पीड़ित कर दिया है। धरेयम् पीडितार्णः, इस धरा को पीड़ित कर दिया है। सत्यम् नास्ति तमः शौचम् दया दानम् विद्यते उदरम् भरिणो जीवा बराकात् भाषिणः। कहीं भी शब्द का दर्शन नहीं हुआ। देखिए नारद का आकांत है, कहीं भी हमें मृत्यु लोक में सत्य का दर्शन नहीं हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम् तपस्या और पवित्रता भी देखने को नहीं मिली। दया दानम् न विद्यते, दया और दान भी देखने को नहीं मिला। कलयुग के लोग कैसे हो रहे हैं, उदरम भरिणो जीवा बराकात् भाषिणः। वो अपने उदर दर्शनों की चिंता में रात-दिन लगे हैं, पेट कैसे भरे बस इसी व्यवस्था में लगे हैं। नारद कह रहे हैं कलयुग के लोग उदर दर्शनों में दिन रात लगे हैं और परिश्रम से नहीं भरना चाहते। कूट भाषिणः छल छल करते, कूट भाषिणः बड़े 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 विद्वानों की ज्ञानियों की बुद्धि कुंठित हो गई, मनुष्य लोग आपत्तिग्रस्त हो गए, बुद्धि हो गए, बुद्धिहीन हो गए, भाग्यहीन होने लगे और पाखंड निर्णता संता। बहुत से संतों को मैंने कलयुग में पाखंड देखा। पाखंड में वो लगे हुए हैं, पाखंड फैला रहा है, पाखंड निरता। संत भगवान का स्वरूप है। शंकर जी से पूछा गया, आपकी दृष्टि में संत का क्या महत्व है? बोले जाने हमने संत अनंत समान, संत को अनंत के समान जानना। भगवान से पूछा गया, आपकी दृष्टि में संत का क्या महत्व है? बोले मोटे अधिक संत कर लेता, मुझसे अधिक संत को मानो। ऐसे संत भी कलयुग में पाखंड ग्रस्त होने लगे। पाखंड निरता संता विरक्ता सप्रग्रह। संत होते हैं विरक्त, विरक्त 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 प्रभाव विरक्त प्रसाद विरक्ता, जहां संसार से कोई राग नहीं है, संसार से उदासीन है, जो सन्यासी है, सम्यक न्यासा सन्यासा, जिन्होंने सब छोड़ दिया उनका नाम सन्यासी है। करतल भोजन तरुतल वासा ताको नाम सन्यासा। जो सर्वस्व त्यागी है सन्यासी, उनके आश्रम में गृहस्थों से ज्यादा सुख समृद्धि ऐश्वर्य विराजमान हो गए। कलयुग में बहुत बहुत धन के उपासक हो गए। वो सोचनी हो गए, बेखानी सोचो जो जो महाराज ऐसा ऐसा वहां देखा। तपस्वी धन दरिया
तपस्वी धनाढ्य हो गए, गृहस्थ निर्धन हो गया। ये कलिका का कोप है। और देखिए जे बरनाधम ते कुम्हारा, जे बरनाधम ते कुम्हारा, स्वपच किरा कोल ललारा, स्वपच किरा कोल ललारा। देखिए भक्ति का अधिकार सबको, किसी वर्ण में हो भक्ति का अधिकार सबको है। लेकिन पुराण कहने का अधिकार देखिए आगे जो भाई भाई जे बरनाधम ते कुम्हारा, स्वपच किरात कोल ललारा, घर वो सन्यासी बने, मुड़ मुड़ा मुड़ा कर दंड देने का अधिकार का ब्राह्मण को, और वो सन्यासी हो गए। और फिर करने क्या लगे भजन जन भी कोई बात बात गिनते विप्रन सन पाए पुजाम, ब्राह्मण को शिष्य बना लिया। ते विप्रन सन पाए पुजाम, ब्राह्मण न होते हुए भी ब्राह्मणों को शिष्य बना कर पैर पुजा रहे हैं। उभय लोक निज हाथ न साना, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, मेरे जने बोले खुदाना। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठि बरासन पढ़े पुराण। पुराण का अधिकार कार्य का ब्राह्मण को, ये व्यास जी ने लिखा है। पुराण का अधिकार करने का जो योग्यधारी ब्राह्मण को है, जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ से कहते हैं जो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, और ब्रह्म ज्ञान से निष्ठ है, वो श्रोत्री ब्राह्मण था कहने का अधिकारी आ सकता। जन्म नाम जाए जाए जन्म नाम जन्म नाम राम राम गया, संस्कार आदि गुरु चुते वेद पाठ भवेत प्रह त्रिभी भी तासा श्रोत्रिया, तीनों से श्रोत्री ब्राह्मण। तुम्हारा कलिकाल में ऐसा होने लगा, इसलिए कथा सार सार होने लगा। जब अनधिकारी कथा कहने लगे तो कथा का तत्त्वनिष्ठ होने लगा। नारद जी कहते हैं, मैंने गृहस्थों के घर में जाकर देखा, तरुणी प्रभुताजी श्याल बुद्धिदाया। नारद जी ने हमने घरों में झांक झांक देखा, नारियां पति को डांट रही हैं, कह रही कैसे समय से आए तो भोजन नहीं बनेगा, अमुक व्यवस्था नहीं थी। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती थी, अपने पति को डांट डांट कर रखती थी। ऐसा हमने नारी का अधिकार एकाधिकार घर पर हो गया। तरुणी प्रभुता, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, नारद जी कह रहे हैं। अब नारद जी का अपना अध्ययन है, उन्होंने कहा तरुणी प्रभुता के हर घर में पत्नी नारी का स्वामित्व है, देवी देवी की सत्ता के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तरुणी प्रभुता के और एक बात और बताइए, श्याल को बुद्धिदाया सगे भाई से अपने मित्र से परामर्श नहीं करेंगे, लेकिन साले लोग सलाहकार हो गए, साले लोग सलाहकार श्याल को बुद्धिदाया, वो परामर्श दाता विशेष सलाहकार। कन्या मित्रिणो लोभा दंपति नाम कलकनम, कुछ लोभी लोग कन्या को बेचने लगे लगे, और दंपति नाम से कलकलम पति पत्नी लड़ने लगे। अन्य युगों में पति पत्नी लड़ते नहीं थे, बड़े प्रेम से रहते थे। कलयुग में घर घर पति पत्नी की लड़ाई छिड़ी, दंपति नाम से कलकलम बड़ा कलह है मचा, दंपति नाम से कलकलम अट्ट शुक्ला जनपदा नाना प्रकार के।
देखा शिव शिवला बुझाता कान में तेज सुर सुनिया सब संबंध कला पापा चार चार देखा ना अर्जुन ने और पापा चार चार दे हुए बड़े दुखी हुए घर में फैला हुआ युग में पुत्र लोग माता पिता को नहीं मानते कुछ पुत्र मार मानते हैं तब जब जब उनका विवाह नहीं हो जाता और विवाह होने के बाद जो पुत्र अपने माता पिता को नहीं मानने लगे बहुत बहुत सब में नहीं लेकिन बहुत बहुत आयत आयत गोस्वामी जी लिखते हैं ससुराल प्यार लगी जब जब तेरे ससुराल प्यार लगी एक बोला हमसे तो हमें प्यारी लगी तो क्या हुआ शंकर जी को प्रिय है हिमालय पर रहते हैं हिमाचल के यहाँ भगवान विष्णु को प्रिय है सागर में बने रहते हैं ससुराल में रहते हैं हमने कर रहा हो लेकिन माता पिता का भी याद करो ससुराल प्यार लगी जब बे ससुराल प्यार लगी जब बे रिते रूप कुटुंब भयो तब थे अच्छी बात आज से 500 वर्ष पहले तुलसी बाबा ने कही थी कि ससुराल की प्यारी लगी घर के लोग दुश्मन की तरह दिखाई पड़ने लगे सुत मां पिता नहीं जब लो जब तक अबलाना चंद्राना का मुख नहीं देखा तभी तक माता पिता को मानते हैं इसके बाद माता पिता से दूरी बढ़ा ऐसा कलयुग में हुआ और होता है अब सब में नहीं होता लेकिन अधिकांश में प्राय ऐसे ऐसे देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए और दुख से व्याकुल होकर नारद जी बोले चलो वृंदावन चला जाए एवं पश्यन् क्लेशान् पर्यटन अवनीमः यानं तत्मापन्नो यत्र लीलारेरभूः एवं क्लेशान् पश्यन् इस प्रकार कारण के दोषों को देखते हुए नारद जी कहाँ गए यानं तत्मापन्नो यमुना के तट पर गए कौन सा तक है ये लीला हरे रहे तो जहां श्री हरि की दिव्य लीला ऐसे वृंदावन धाम।